उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष अमिलाल सिंह वाल्मीकि शुक्रवार को लक्सर नगर पालिका परिषद पहुंचे और नगर पालिका परिषद में तैनात सफाई कर्मियों की समस्याओं को सुना और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं की जानकारियां भी सफाई कर्मचारियों को दी गई। इस दौरान उनके द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद गौहर हयात से सफाई कर्मियों की लाभवर्ती जैसी सुविधाओं को लेकर जैसे सर्दी गर्मी में यूनिफॉर्म, सफाई के उपकरण, बीमा, वेतन आदि कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और निर्देश दिए गए कि कार्यालय में जो भी कर्मचारी ग्रेजुएट है उनसे कार्यालय में ही कार्य कराया जाए और सफाई कर्मियों की बस्तियों में विकास कार्यों और उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। सफाई कर्मियों की शिकायत के लिए एक रजिस्टर जरूर बनाएं जिससे सफाई कर्मियों की समस्याओं का पता चल सके और उसका निस्तारण भी किया जा सके। समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुँचे कि क्या क्या समस्याएं सफाई कर्मचारियों की हैं और सरकार के नुमाइंदे होने के कारण जो है हमको ये ड्यूटी दी गई थी कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू और वो जो समस्याएं जहाँ स्थानीय निकाय पर निपट सकती है उनका स्थानीय निकाय पर निपटाए, जो शासन स्तर पर हो सकती है शासन स्तर पर भेजने का कार्य। कुछ खामियां पाई गई सर? हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें मिली है उनको लिए जो है माननीय यू साहब ने जो उनको मान लिया है कि हम यही एट स्पॉट ही जो उनका निस्तारण कर रहे हैं और कुछ निस्तारण कर भी दिया है, हमको आश्वस्त भी किया है कि हम इसको कर रहे हैं।